दिन से हम देख रहे हैं कि इलाका बराबर धंस रहा है, जहां हमने पहले देखा कि इसमें कम घर थे, लेकिन अब इसकी जद में मजीद भी घर आ रहे हैं, क्योंकि 24 से ये आंकड़ा अब लगभग 30-32 की तरफ जा रहा है, जहां टोटल डैमेज की बात करें, क्योंकि रिस्क में 20-22 घर और भी हैं जो इसके बॉटम में है, 7 घर इसके टॉप पे है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रैक्स पड़े हुए हैं घरों में। परेशानी है तो जाहिर सी बात है, हालात किस तरह के हैं ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि हमारी रिक्वेस्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि कंपनसेट किया जाए, हमें ज़मीन कहीं फराहम की जाए, क्योंकि अब ना हमारे पास घर है ना हमारे पास ज़मीनें हैं, और कुछ लोगों का तो रोज़गार भी खेती बाड़ी से जुड़ा था, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। तो तीन तरह की हमारी डिमांड्स रहेंगी जो टॉप पे हैं। एक तो ये कि हमें आप ज़मीन दे दीजिएगा 10 मरले पर हेड, और उसके बाद आप हमारे लिए कंपनसेशन का इंतज़ाम कीजिएगा ताकि हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। और तीसरी बात, वो जो लोग बाग मालकान थे या फिर जो खेती बाड़ी कर जिनका ज़रिया आमदनी यही था, सोर्स ऑफ इनकम यही था, आप उनके लिए भी रोज़गार का कुछ कीजिएगा। काम खराब कर आता रहता सर, आता रहता। बहुत बड़ा हादसा है, दिलदोज हादसा है, जहां हमारी ज़मीन जो है तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब जो है खिसक गई, जिसमें हमारे रिहायशी मकानात जो हैं और जानवर जो हैं यहां पे रहा करते थे। बहुत अफसोस है, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। बहरहाल हम गवर्नर साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि जल्द अज जल्द इनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। इसके अलावा हम अपने पार्टी हाईकमान तक भी हमने बात रखी है, तो वही फराइज अंजाम देते हुए मैं अपने पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप वहाँ सूरत हाल देखिए, इंशाल्लाह वो खुद भी आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब और उसके इंतज़ामिया जो है इनको जल्द अज जल्द जो है फराहम करो। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर डिप्टी कमिश्नर रामबन का शुक्रिया करता हूँ कि वो शायद पूरी टीम लेकर कल से यहाँ पे खेमा जन है, तो जितना भी हो सकता है तो हम भी उनके शाना बशाना हैं। तो बहरहाल ये भरपाई करना कि जैसे भी ये परसों से चल ही रहा है अभी तक, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि कम से कम 300 से ज़्यादा इसमें लोग जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, 57 हाउसेज डैमेज हो चुके हैं और 82 और कह रहे हैं, तो एक पूरे गाँव का गाँव ही चल रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है, करने और कहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नेशनल मीडिया ने चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि रिहैबिलिटेशन का आप क्या कहेंगे, क्या इनको कहीं ज़मीन अलॉट की जाए और वहाँ पर कंपनसेशन अनाउंस की जाए। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इंसिडेंट हो रहा है। इतना पूरा गाँव चल रहा है और अभी भी चल रहा है, मुझे लगता है इसमें जायद कम से कम 100 से ज़्यादा घर आएंगे और 500 से ज़्यादा फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगे। हमारी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आप, हम शुक्रगुजार हैं डीसी रामन के कि खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, टेंट लगाए हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव हुई कल पूरी आपकी मीडिया आने के बाद, बट आज हमारी गुजारिश है कम से कम इनके लिए लैंड एलोकेशन की जाए और कंपनसेशन अनाउंस की जाए 30 से 40 लाख रुपए हर फैमिली के लिए, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो शुरू हो सके, क्योंकि किसी का आशियाना उजड़ना आप जानते हैं कि कितनी बुरी हालत होती है। फ्रेंड हेलो, पता नहीं चल रहा है इसका, महसूस